दोस्तों करण जौहर, जिन्हें लोग केजेओ के नाम से भी जानते हैं, भारतीय फिल्म डायरेक्टर, निर्माता, स्क्रीन राइटर और साथ ही टीवी एक्टर भी कहे जाते हैं। आपको बता दें कि हिंदी फिल्मों में बेहतरीन काम करने की वजह से जाने जाते हैं और एक से बढ़कर एक मूवीज देने के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि करण जौहर जल्द ही आपको बिग बॉस के सीजन में बतौर होस्ट थी। आज की इस वीडियो में हम इनकी लाइफ स्टाइल, एज, करियर, नेटवर्थ, बायोग्राफी की बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम करण जौहर से रिलेटेड कुछ ऐसे भी खुलासे करेंगे जो शायद आप ना जानते हों। चलिए इनकी पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। इनका पूरा नाम करण धर्मा कामा जौहर है। इनको राहुल कुमार जौहर के भी नाम से बुलाया जाता है और करण कुमार जौहर के नाम से भी बुलाया जाता है। इनका निकनेम केजेओ है। प्रोफेशन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और टीवी होस्ट है। इनका जन्म 25 मई 1972 में हुआ है और 2021 के हिसाब से 49 साल के हैं। बर्थ प्लेस मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया है। जॉइडिक साइन जिमिनी है। नेशनलिटी से इंडियन है। होम टाउन मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया है। स्कूलिंग इन्होंने ग्रीन लॉज हाई स्कूल मुंबई से कंप्लीट करी है। वही कॉलेज ये HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक मुंबई से कंप्लीट करा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो MA करी है फ्रेंच से, और वहीं अगर इनके रिलीजन की बात करी जाए तो ये हिंदू हैं, और अगर इनके हॉबीज की बात करी जाए तो इन्हें ओल्ड थिंग्स और एंटीक पीसेस कलेक्ट करना काफी पसंद है। अब चलिए करण जौहर की फैमिली की बात करते हैं। इनके पिता का नाम लेट यश जौहर है, जो कि एक बड़े प्रोड्यूसर थे। इनकी माँ का नाम हीरो जौहर है। और आपको बता दें कि करण जौहर के कजन ब्रदर्स का नाम आदित्य चोपड़ा और उदय चोपड़ा है। चलिए अब बात करते हैं इनके बच्चों के बारे में। इनके बेटे का नाम यश है और बेटी का नाम रूही है। अब चलिए बात करते हैं करण जौहर के करियर की। इन्होंने बतौर डायरेक्टर अपना पहला डेब्यू मूवी में कुछ कुछ होता है, जो कि साल 1998 में आई थी, उससे करा था। और बतौर एक्टर उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे साल 1995 में आई हुई मूवी से करा था। बतौर प्रोड्यूसर कल हो ना हो साल 2003 में आई हुई मूवी से करा था। और टीवी में इन्होंने अपना बतौर एक्टर डेब्यू इंद्रधनुष, जो कि साल 1989 में आई थी, उससे करा था। अब चलिए करण जौहर के अवार्ड्स और अचीवमेंट की बात करते हैं। इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड बतौर डायरेक्टर कुछ कुछ होता के लिए 1999 में मिल चुका है। वहीं फिल्म फेयर अवार्ड इन्हें 1999 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड कुछ कुछ होता के लिए, और साथ ही 2002 में बेस्ट डायलॉग अवार्ड फॉर कभी खुशी कभी गम, और साथ ही 2011 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर माय नेम इज खान के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। वहीं IIFA अवार्ड की बात करी जाए तो इन्हें साल 2001 में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर फॉर मोहब्बतें के लिए इनको अवार्ड मिल चुका है। वहीं साल 2002 में इन्हें बेस्ट डायलॉग फॉर कभी खुशी कभी के लिए मिल चुका है। 2004 में इन्हें स्टोरी के लिए कल हो ना हो के लिए मिल चुका है। वहीं 2011 में इन्हें माय नेम इज खान के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। और अब चलिए करण जौहर के घर की कुछ तस्वीरें देख लेते हैं। ये रही उनके घर की कुछ तस्वीरें। अब चलिए बात करते हैं करण जौहर की कार की कलेक्शन के बारे में। इनके पास मर्सिडीज मेबैश S500 है, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जाती है। जैगुआर XJL है, जिसकी कीमत 1.20 करोड़ रुपए बताई जाती है। मर्सिडीज बेंज GLS 350D है, जिसकी कीमत 28 लाख रुपए बताई जाती है। और BMW 520D है, जिसकी कीमत 60 लाख रुपए बताई जाती है। अब चलिए बात करते हैं करण जौहर के पर टीवी सीजन होस्ट के तौर पर चार्जेस की और साथ ही नेटवर्थ की। ये पर टीवी सीजन में 8 से 10 करोड़ रुपए की रकम चार्ज करते हैं। वहीं इनकी अगर टोटल नेटवर्थ की बात की जाए तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनकी टोटल नेटवर्थ 1450 करोड़ रुपए बताई जाती है, क्योंकि ये काफी मोटी रकम है और जिसके चलते ये बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियों में भी आते हैं। दोस्तों ये रही करण जौहर की लाइफ स्टाइल वीडियो। ऐसे और भी सेलिब्रिटीज की लाइफ स्टाइल वीडियो देखने के लिए आप लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, वरना राइट वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं।